जिला मुख्यालय के अंतर्गत मनासा से झुग्गी बस्ती में रहने वाली कई महिलाएं आज कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के बैनर तले नायब तहसीलदार पिंकी साठे को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पात्रता पर्ची उपलब्ध करवाने सहित कई मांगों के निराकरण कराने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि मनासा के वार्ड क्रमांक 13 की झुग्गी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं ने कई बार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मूलभूत सुविधा नहीं होने को लेकर अवगत कराया है, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और गरीब होने पर भी BPL कार्ड नहीं बनवाए जा रहे हैं, न ही पानी की व्यवस्था और लाइट की सुविधाएं भी इनके पास नहीं है, साथ ही बिजली के बिल भी कई गुना ज्यादा आ रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से सभी मांगों को जल्द निराकरण करने और पात्रता पर्ची उपलब्ध करवाने की मांग की गई। इस दौरान महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशा सांभर सहित झुग्गी बस्ती रहवासी उषाबाई, गीताबाई, लक्ष्मीबाई, ज्योति रावत, संतोष किर, कारूबाई किर, मंजू बंजारा, संतोषबाई, चंद्रकला बाई सहित महिलाएं मौजूद रही। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मनासा से शब्बीर बोहरा की रिपोर्ट।